हेलो दोस्तों, सुपरआर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में हम सभी ने देखा था, यूनिवर्स के सभी लोग थैनोस के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। वहीं पर हमें ब्लैक पैंथर के पूरे आर्मी को देखने को मिला, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर को देखने को मिला, वेलकरी, वांडा, स्पाइडरमैन, वाह, सबको देखने को मिला। पर वहाँ पे एक और कैरेक्टर था जिसके बारे में खुद रूसो बादर ने बताया है। उस कैरेक्टर का नाम है नोवा। वर्ड में जब रूसोस ब्रदर फैंस के क्वेश्चनों को आंसर दे रहे थे, तब एक फैन ने नोवा के बारे में पूछा था। तब जो रूसो ने बताया था, आखिरी बैटल में नोवा को देखा गया है, जो असल में एक ईस्टर एग हो सकता था। पर सीरियसली, नोवा? मैंने बहुत बार आखिरी सीन देखा है, बार 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 एकदम स्लो मोशन में, पर मुझे कहाँ पर भी नोवा नज़र नहीं आया। और सिर्फ मैं ही नहीं, शायद जितने भी मार्वल्स फैंस हैं वो सभी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि नोवा कहाँ है। अगर नोवा वहाँ पे होता तो एक बढ़िया ईस्टर एग होता और फ्यूचर मार्वल मूवी में हमें नोवा को कंफर्म देखने को मिल सकता था। पर ये बात हमें पता है, नोवा फ्यूचर में तो देखेगा, इसको लेकर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, पर कंफर्म हमें पहले से पता चल जाता। पर फिर से फैंस जब रूसोस ब्रदर को मेल करे कि नोवा कहाँ है, तब जो रूसो ने रिप्लाई करके बताया, उन्होंने जो बताया था वो एक मजाक था, वहाँ पे नोवा कहीं पर भी नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया मजाक था जो रूसो ने किया है। पर जो रूसो ने नोवा को लेकर ही क्यों मजाक किया, आपको पता है? मुझे लगता है जो रूसो शायद नोवा के ऊपर ही काम कर रहे, तभी वो नोवा को लेकर मजाक कर रहे थे। जो भी हो, आपको इस मजाक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ पास में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज चलता हूँ, आपके साथ मुलाकात होगी फिर से इसी तरह के एक वीडियो पे। टिल देन, बाय।